राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीच में कुछ अधिक व्यस्तता के कारण जो है हमारा एक दो वीडियो लेक्चर मिस हो गया, क्योंकि थोड़ा सा जो है बुक लिखने का बर्डन ज़्यादा पड़ा हुआ है और कुछ ऐसे घरेलू कार्य कुछ हो गए जिसकी वजह से जो है मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। तो साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन्स के अंतर्गत हम वेरिस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम एक रोग पर और आज चर्चा करेंगे। उस रोग का नाम है साथियों मिराजम्स, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। साथियों, ये सूखा रोग क्या है? देखिए, जैसे नाम से ही पता चलता है कि शरीर सूख जाता है इससे, यानी कि कुपोषण से संबंधित एक विकार है ये। इस रोग में रोगी के शरीर के अंदर जो मांसपेशी, टिश्यूज, मसल्स हैं, फैट्स वगैरह है, वो सब जो है उनको नुकसान पहुंचता है, डैमेज होने लगती हैं। ये रोग तब होता है जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाए या ना मिले। इसलिए सूखा रोग का जो है प्रमुख कारण है वो पोषक तत्वों की ही कमी है, और दूसरा जो है भूखमरी हो सकता है। ये रोग चाहे छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबको प्रभावित करता है। यह रोग उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो पर्याप्त मात्रा में जैसे प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स या जो अन्य पोषक तत्व है उनका पर्याप्त मात्रा में उपयोग ना कर पाना। इसके अलावा जैसे कई प्रकार के जो खनिज लवण हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, आयोडीन की कमी है या आयरन की कमी है बॉडी के अंदर, उसके कारण भी जो है ये रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त कॉन्टामिनेटेड वाटर है या कॉन्टामिनेटेड फूड्स है वो लोग खाते हैं, उनको भी ये रोग प्रभावित करता है। जो लोग घुमंतु जाति के हैं या फिर ऐसे वातावरण में वो लोग रहते हैं, ऐसे स्थान पर वो रहते हैं जहाँ पर भूखमरी ज़्यादा है, अकाल ज़्यादा पड़ता है, तो वो भी एक कारण जो है सूखा रोग का हो सकता है। और जो लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं या आमरण अनशन करते हैं, उन लोगों को भी जो है ये रोग हो सकता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए जो है रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, वो लोग भी इस रोग का जो है शिकार हो जाते हैं, इस रोग से वो भी पीड़ित हो जाते हैं। अब सूखा रोग है, ऐसे रोगी को
किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, क्या पहचान है। देखिए, शरीर दुबला पतला होगा, वजन जो है सामान्य से बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आंखें बाहर निकल आती हैं, होंठ सूखे रहते हैं, बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और शरीर में जो हड्डियां वो चमकने लगती हैं। ऐसे लोग जो हैं बार बार इम्यूनिटी पावर की कमी की वजह से बार बार जो है संक्रमित भी होते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों का विकास जो है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार के जो हैं कई कारण हैं, कई लक्षण जो हैं हम रोगी को जो है से रोगी को पहचान सकते हैं। उचित कारण को पहचान करके कि ये रोग किस कारण से हुआ, उचित कारण को पहचान करके यदि इसकी चिकित्सा की जाए तो इसके 100% जो है वो परिणाम मिलते हैं। देखिए, इलाज तो लगभग सभी पैथियों में इसका मिल जाता है। हम इलेक्ट्रोमोपैथी में क्या ट्रीटमेंट इसका दे सकते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीपी और बीसी दो बड़े पॉपुलर फार्मूले हैं जो रोगी को हर रोग में दिए जाते हैं, हर रोग में जिनका प्रयोग करते हैं हम। यहाँ भी हम उन फार्मूलों को प्रयोग करेंगे, बीपी, बीसी, एस10, इन तीन औषधियों का हम यहाँ पर जो है प्रयोग करेंगे, और ये हमें जो है D4 से डायरेक्ट हमने इसको लेना होगा। अब जैसे S10 हो गया, BP, BC है, सबका 10-10 ml लेना 30 ml में। और साथियों देखिए, इसका अब छोटे बच्चे भी शिकार हो सकते हैं, बड़े भी शिकार हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक जो है फिक्स ड्रॉप का तो हम जो है डोज का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे 2 ड्रॉप पर 10 kg बॉडी वेट, यानी कोई 10 किलो का अगर कोई बच्चा है तो हमें उसे 2 बूंद डिवाइडेड डोज में देंगे, यानी 2-2 बूंद जो है 4 बार करके उसको देंगे। तो यही जो मेजरमेंट है आप बड़ों में रख सकते हैं, 50 किलो का कोई है तो वहाँ पर हम उन्हें 10-10 बूंद दे सकते हैं, 60 किलो का कोई है तो वहाँ पर उन्हें हम 12-12 बूंद दे सकते हैं 4 बार करके। तो इस प्रकार से हमने जो है डोज का निर्धारण करना है रोगी की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। दिन में 4 बार जो है इसका दवा देना है, और इसके अतिरिक्त जो छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हो, A1C4, L1F2 और ब्लूलिप्टिसिटी, साथियों ये 6 मेडिसिन हो गई, 6 मेडिसिन की जो है D3 से हमने 10-10 बूंद लेना है, और ऑयल में मिला करके इसकी जो है मसाज करवानी है, हाथों पे, पांवों पे, कमर पे, जहाँ भी जो है मसल्स वीक हैं, और उचित खान पान का ध्यान रखते हुए पोषक तत्वों की जो है शरीर में जो कमी है, हरी पत्ती सब्जियां वाली जो है, हरी पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनका मैक्सिमम प्रयोग करें, जो फाइबरयुक्त भोजन जो है अनाज है, मोटे अनाज हैं उनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें, और जैसे दूध दही घी वगैरह है जैसे पोषक तत्व हैं इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कराया जाए, फल फ्रूट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो इनका प्रयोग कराया जाए, और दवाइयों का जो है सेवन रोगी को करवाया जाए, तो बहुत जल्दी इसके हमें अच्छे मिराकल परिणाम इसके हमें मिलते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने जो है
बीपी देने का हमारा तात्पर्य था कि ये डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रोंग करती है, मेटाबॉलिक सिस्टम को भी स्ट्रोंग करती है, उसमें प्रभावकारी है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है ब्लड प्यूरीफायर का स्ट्रोंग डाइलेशन लिया है। आप सब जानते हैं कि बीपी जो है वो भोजन का पाचन भी करती है और मेटाबॉलिक सिस्टम का को स्ट्रोंग भी करती है और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है उनको भी ये बाहर निकालने का काम करती है। दूसरी मेडिसिन हमारी बीसी है, बॉडी केयर। देखिए साथ ही इसमें ऐसे मेडिसिन का हमने जो है कंपोजिशन इसके अंदर जो है किया हुआ है, बनाया हुआ है, जो लीवर पर भी काम करती है, बदन दर्द पर भी काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी जो है ये मेडिसिन काम करती है। तो यहाँ पर हमने इसलिए बीसी का प्रयोग किया है। और तीसरी जो हमारी मेडिसिन है एस्टेन, एस्टेन हमारे पूरे आर नाल की मेडिसिन है, एलिमेंट्री कनाल की मेडिसिन है, जो मुख से लेकर के रेक्टम तक इसका कार्य है। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोमोपैथी में ट्रीटमेंट करते हुए और उचित खान पान का उसका ध्यान रखते हुए जो है इलाज करना है और अच्छे कुछ ही दिनों के अंदर जो है 15-20 दिन के अंदर ही अच्छे इसके परिणाम सामने आने लगते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। साथियों से मेरी भी नम्र निवेदन है कि वो वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें इसको और कमेंट्स करें ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कितने हमारे साथियों ने जो है वीडियो देखा है और कितनों ने नहीं देखा है। तो साथियों जिन्होंने बुक के लिए अभी जो विचार कर रहे हैं तो अपना बुक के लिए जो 500 रुपये एडवांस वो जमा करा सकते हैं और अपनी प्रति सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि बुक छपने के बाद में फिर कोई ये कहे कि सर हमें अभी आपको पैसे भेज देते हैं, आप हमें बुक भेज दीजिए। देखिए वहाँ हम जो है ना उसमें कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि हमारे पास कापियाँ बचेंगी या नहीं बचेंगी, बचेंगी तो दे देंगे और नहीं बचेंगी तो नहीं दी जाएंगी, और ना ही इतना हम कर सकते हैं कि 100-200 कापियाँ फिर दोबारा से छपवा लें हम। अब जितनी भी 250-300 कापियाँ हैं वो अभी हम छपवाएंगे, और जिन साथियों के हमारे पास पहले बुक हो चुकी हैं उनको तो हमने 100% देना ही देना है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि जैसे बुक आ जाएगी तो उसी टाइम हम ले लेंगे, तो ये पक्के तौर से नहीं कहा जा सकता कि आपको बुक वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो जो सोच रहे हैं इसके बारे में लेना जिन्होंने बुक को तो अपना डिपॉजिट करवा दे। इसी के साथ साथियों राधे राधे।